For Maharashtra, it's the Mahayuti. Clearly, there's a lot of seat sharing, discussion, deliberation that's still on. So what's happening? Remember, it's the deadline now to file the nominations for the Maharashtra Assembly election. It ends today. You have to have decisions about who's going to contest elections. Key political adversaries in Maharashtra, the opposition Mahavikas Aghadi and the ruling Mahayuti, so far have failed to sort out some final differences about the seat allocation. The tussle with the Mahavikas Aghadi continues to remain over 19 seats. There are hectic parlays for ruling coalition Mahayuti for at least 10 seats. Swapna Patkar, prime witness in the Patrachawl scam, is also set to fight independently against Sunil Raut, who's the incumbent MLA and brother of Sanjay Raut, and that's from Vikhroli Assembly constituency. But remember, these elections, while scheduled for the 20th November, 288 constituencies, the fact here remains that it's a fight as much for survival and relevance of these alliances and their partners. इस बार शिवसेना और महायुति पूरी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी, क्योंकि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी ने सब रोड़े डाले थे, काम बंद किए थे, प्रोजेक्ट बंद किया था, उनको हमने शुरू कर दिया और इसलिए हम ये डबल इंजन की सरकार में 2 साल में इतना काम किया है। इस काम के बलबूते पर महाराष्ट्र की जनता फिर ये महायुति के पक्ष में वोट डालेगी और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, थंपिंग मेजॉरिटी मिलेगी। साहेबांनी तर एवढी कामं केली आहे, तर काय आता आपण बोलून फायदा पण नाही आहे त्याच्यावर, इतकी की विरोधी लोक की जळतात। साहेब नेहमी बोलतात आय एम कॉमन मॅन आणि मी ह्याच्यातून उत्तर देईन, कामातून उत्तर देईन, ते कामातून उत्तर दिलेलं आहे साहेबांनी। पब्लिक का प्यार तो आप देख ही रहे हो, अभी इसमें क्या बोलूँ, वो तो फुल 100% फुल जोश में पूरे वोट जीत के आएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि उनकी बहनें बाहर खड़ी है, उनकी जो लेडीज है, एज लेडीज है, वो माँ के जैसे उनके लिए खड़ी है, वो तो मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे ने किया है। तो सब हमें आके गले मिलके बता रहे कि आज के शिंदे साहब ने क्या क्या किया है हमारे लिए, तो उससे बड़ा और क्या बड़ा लीड रहेगा। माझं स्वप्न आहे की पुढील 5 वर्षात बारामतीला आणखी काय देता येईल याचा विचार करताना एक लोकप्रतिनिधी जे आवश्यक आहे ते शक्य आहे, ते सर्व केलंय असं समाधान माझ्यासारख्याला वाटतं, परंतु एवढ्यावर मी थांबायला तयार नाही। आपण काळजी करू नका, अजून खूप नवीन कल्पना आपल्या समोर आहेत। आता माझं लक्ष बारामतीला राज्यात नाही, भारत देशा में पहला क्रमांक। पिछले 35 ईयर्स से दादा जो बारामती मतदार संघ में काम कर रहे हैं, बारामती का रूप जो उन्होंने पलटा है, हर एक घटक के लिए जो काम किया है वो लोगों में पता है, लोगों को पता है, हर एक घटक पे उनका प्रभाव है, इसलिए उनको 24 घंटे काम करने वाला कोई नेता चाहिए और वो दादा में देखते हैं। सब आपके पास इनपुट्स आ रहे होंगे, नारायण साहब के इनपुट्स होंगे, नीतीश साहब के इनपुट्स होंगे, तमाम जगहों। देखिए, हमको इतना ही मालूम है, हम सीट के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, हमको इतना ही मालूम है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आ रही है। हम बड़े बहुमत के साथ वापस फिर एक बार चुन के आ रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री ही महायुति का ही होगा, इतना विश्वास मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ऐसा है ना कि प्रत्येक ठिकाण की परिस्थिति वेगळी है। नांदगाव मध्ये जे आहे सर्व पक्षाचे, सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन त्यांनी समीर भाऊचा अर्ज आज भरला आणि आज तुम्ही तुमच्या काउंटर पार्ट तिथल्या त्यांच्याबरोबर माहिती घ्या। प्रचंड अशा मोर्चा आताचा निघाला होता। तिथली गोष्ट काय आहे की तिथे बाकीच्या गोष्टी नाही, तिथे की एक दहशतीचं वातावरण आहे। त्या 5 वर्षामध्ये कशा रीतीने त्यांनी जे काही उद्योग तिथे केले आणि लोकांना त्रास दिला, त्यामुळे लोकांनी त्रासून जे आहे हा निर्णय घेतलेला आहे। और ये माहौल देखने के बाद पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में नहीं आने देने का जो निर्णय लोगों का है और महायुति को सत्ता में लाने की भावना लोगों की है, इसलिए मतलब महायुति को कम से कम 177 सीटें मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। हवा तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। पूरे महाराष्ट्र में हम घूम रहे हैं, जगह जगह हमारे नेता जा रहे हैं। हम तो करीब करीब 268 के करीब पहुंच गए हैं बंटवारे में, बट वहाँ देखिए वहाँ पेंच फंसा हुआ है। अभी भी उनके यहाँ बहुत सारी सीटों पे मनमुटाव है, सेल्फ उटवल है, 3-3, 4-4 पार्टियों के लोग उनके ही आपस में खड़े हो जा रहे हैं। तो कम से कम हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ 1-2 सीटों पर ज़रूर विवाद है, लेकिन हम भी वो बहुत प्यार से और सम्मान के साथ समन्वय बनाकर सुधार लेंगे और हम अपने आप को एक प्रकार से दुरुस्त कर लेंगे कि हम आगे चुनाव में जा सकें। दुख इस बात का होता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर कर, एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर, आज परिवारों में लड़ाई कराई है, पार्टियों को तोड़ा है और फिर भी जनता इनके साथ नहीं है, ना इनके साथ सहानुभूति है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी इस तरीके की मन में सोच रखता होगा कि पार्टियों को तोड़ो, परिवारों को लड़ाओ, उनसे महाराष्ट्र का जो नतीजा आएगा उनसे ये लोग सब सबक सीखेंगे।